मंडल कार्यालय पर गीता शर्मा के क्रीड़ा सचिव बनने पर किया गया सम्मान समारोह। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल कार्यालय इज्जतनगर में गीता शर्मा के क्रीड़ा सचिव बनने के अवसर पर उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मलिक एवं संचालन मंडल मंत्री कामरान अहमद द्वारा किया गया। समारोह में उपस्थित सभी खिलाड़ियों ने गीता शर्मा को क्रीड़ा सचिव बनने पर एक स्मृति चिन्ह देते हुए उन्हें बधाई दी। नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व में क्रीड़ा सचिव के पद हेतु कोई मापदंड निर्धारित नहीं थे। पद्मवीर सिंह के क्रीड़ा सचिव के पद से त्यागपत्र देने के उपरांत मंडल में जूनियर खिलाड़ी को प्रशासन द्वारा क्रीड़ा सचिव बना दिया गया, जिसका मंडल के समस्त वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा विरोध किया गया। तत्पश्चात सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों ने एकत्रित होकर नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी को अवगत कराया कि बनाए गए क्रीड़ा सचिव से वरिष्ठतम एवं अच्छी योग्यता रखने वाले नेशनल तथा इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं। उनमें से वरिष्ठतम एवं योग्य कर्मचारी को क्रीड़ा सचिव के पद पर नामित करवाया जाए। तत्पश्चात केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी द्वारा मुख्यालय स्तर पर बात करके क्रीड़ा सचिव के पद हेतु मापदंड निर्धारित करवाए गए तथा उन्हीं मापदंडों के आधार पर गीता शर्मा मुकार्याधि अधीन वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर इज्जतनगर को क्रीड़ा सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया। इसी के अनुरूप अब पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में क्रीड़ा सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापना की जाएगी। सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से यू.वी. सिंह, राजीव सक्सेना, सुंदर पाल सिंह, सोमनाथ बैनर्जी, संजय त्यागी, ब्रिजेश सागर, फसील बेग, पंकज सिंह, तारिक अजीज, मोहसिन अली, बलवंत सिंह, अरविंद राणा, शिव कुमार, हसीब हसन खान, देवेंद्र थापा, हुकुम सिंह नेगी, सी डी अवस्थी, दिलीप यादव, रोहित सिंह, मो असीम, ताजुद्दीन खान, यूनुस, कुलदीप कुमार एवं मीडिया प्रभारी आरिफ हुसैन इत्यादि खिलाड़ी व नरमू के पदाधिकारी उपस्थित थे। गीता शर्मा जी को यहाँ पर जो है उनके नया उन्हें चुना गया है कॉन्ट्रोवर्सी, उसके सम्मान के लिए आया था और वो आई। अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी इसके लिए पीछे किसी और तब चुनाव तब दिया गया था चुनाव, लेकिन फिर वो ये मामला जीएम तक गया। उसके बाद डीआरएम साहब के उनके निर्देशन अनुसार ये जो है आज गीता शर्मा जी को उसका जो है सेक्रेटरी चुन लिया गया। उसके लिए एनी रेलवे मजदूर यूनियन और सभी और सारे स्पोर्ट्स देखे जितने भी हैं जो स्पोर्ट्समैन मौजूद थे सबका मैं अपने एनी रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और नरमू के अधिकारी केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी जी ने ये सम्मान समारोह रखा, सभी खिलाड़ियों को बुलाया। असल में उन्हीं के प्रयास से आज यहाँ पे स्पोर्ट्स सचिव के पद में मैं कार्यरत हूँ। इस स्पोर्ट्स सचिव का पद जो मुझे मिला है उनका बहुत बहुत प्रयास रहा है। गोरखपुर लेवल तक उन्होंने जीएम लेवल तक प्रयास किया इस पद के लिए। मेरे को उनको ये नहीं था कि मैं ही इस पद पे आऊँ, वो ये चाहते थे कि सही बंदा जो इसका हकदार हो, इंटरनेशनल खेला हो और सीनियर मोस्ट हो, अच्छे स्केल पर हो, वो बंदा इस पद पे आए। तो सबके नॉमिनेशन मांगे गए, एप्लीकेशंस मांगी गई, उस एप्लीकेशन में मेरा चयन हुआ। इसलिए मैं डीआरएम सर का भी, अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर अमिताभ सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया और मुझे मैं आज इस पद पे आप लोग के सामने हूँ। सिटी स्टेशन रोड स्थित गोल चक्कर पर दुकान का उद्घाटन। इस मौके पर पत्रकार भाइयों को सलमान शमसी द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस महामारी में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए हम तक सटीक खबरें पहुंचाते हैं। सैयद नाजिर अली चांद बताते हैं कि दुकान का नाम साथ साथ एक साथ रखा है ताकि यहां सभी तरह के लोग एक साथ आते रहें। सलमान शमसी बताते हैं कि वैसे तो यहां पर हर तरीके के जूस, शेक, लेमन टी, ग्रीन टी आदि मिला करेंगे, लेकिन जब तक यह कोरोना बीमारी की दवा नहीं बन रही है तब तक यहां सुबह में तुलसी के पत्तों का काढ़ा मिलता रहेगा। इस मौके पर फयाजुल हसन, उस्मान, शाहवेज अली, ताहिर शमसी, समर आरिफ, सलमान हुसैन घोसी, मुदस्सर, सलीम शमसी आदि मौजूद रहे। सिटी स्टेशन मेरा नाम सैयद नाजिर अली चांद है। ये आज हमारे भाई हैं, उन्होंने जो उद्घाटन किया है यहाँ पर, अपने छोटी सी एक दुकान खोली है जिसका नाम रखा है साथ साथ एक साथ, ताकि हम सब लोगों में मोहब्बत बनी रहे और सब लोग साथ में रहें।
ये COVID-19 जो चल रही है इस महामारी के दौर के अंदर, तो यहाँ पर अभी ये खुली है, इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी बात भी सोच के रखी है कि जब तक यहाँ पर ये COVID-19 की दवाई नहीं बनेगी, जब तक यहाँ पर तुलसी का काढ़ा लोगों के लिए रोज़ बनाया जाएगा चंद लोगों के लिए और उनको मुफ्त दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये अक्सर देखा गया है कि ओपनिंग के दिन अक्सर लोग यहाँ पर मिठाई वगैरह बांटते हैं अपने रिश्तेदारों को, भाई लोगों को, लेकिन उन्होंने ये फैसला ना लेकर एक बहुत अच्छा अहम फैसला लिया कि उसके बदले गरीब लोगों को मिठाई ना देकर उसके बदले राशन देकर इन्होंने एक फैसला लिया है कि सही लोगों को सही चीज़ ज़रूरतमंद लोगों पर पहुँच जाए वो लोग। जी, और एक बात ये रही कि हमारे जो मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चार स्तंभों में से एक स्तंभ पत्रकारिता, हम पत्रकार भाइयों को कह सकते हैं, तो इन लोग पत्रकार भाइयों का हमारी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है जो इस महामारी के अंदर हम लोगों को सही और सटीक खबर पहुंचाते हैं अपनी जान के जोखिम पर। तो आज इन्होंने, हमारे सलमान शमसी भाई ने यहाँ पर इन लोगों को सम्मानित कर बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत अच्छा पैगाम दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि पत्रकार भाइयों को इसलिए हौसला अफजाई करें और इनकी हिम्मत बढ़ाएं। जी हाँ, अभी यहाँ देखा गया है कि गरीब, जहाँ बताया मैंने जैसे पहले कि मिठाई ना बांट कर गरीब लोग हैं आसपास के जितने भी यहाँ लोग रहते हैं उन लोगों को, उसका ज़रूरतमंद लोगों को उनको राशन वगैरह दिया गया है यहाँ पर ताकि उन लोगों को ये राशन पहुँचे और उनकी ज़रूरत पूरी हो। इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ममता मिशन कार्यक्रम। ममता मिशन के अंतर्गत किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट अनीता गोयल के नेतृत्व में किया कार्यक्रम, जिसमें क्लब के प्रेसिडेंट सुधा सक्सेना ने जच्चा बच्चा वार्ड में दूध पिलाने वाली माताओं को जानकारी देते हुए बताया कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ अपना यानी माँ अपना दूध ही पिलाएं, ऊपर का दूध बिल्कुल ना दे, तभी हमारा बच्चा स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि माँ का दूध एक अमृत रूपी दूध कहा गया है और यह सच्चाई भी है। जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया है वह बच्चा हकीकत में किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकता है। और यह भी जानकारी दी कि बच्चे को हमेशा गोद में लेकर ही दूध पिलाएं, कभी भी लेफ्ट कर दूध बच्चों को नहीं पिलाएं, बच्चे को दूध पिलाने के बाद थपकी देकर उसको डकार जरूर दिलवाएं। सेक्रेटरी रचना सक्सेना ने भी बताया कि पहला दूध जो पीला होता है, माँ के स्तन से दूध निकला हुआ वह दूध बच्चे के लिए अमृत का काम करता है, वह दूध बच्चे को जरूर देना चाहिए। छोटा बच्चा दूध पीने में दिक्कत करता है पर फिर भी उसे सावधानी के साथ पिलाना चाहिए। उपस्थित साथ विभाग की टीम और क्लब की प्रेसिडेंट सुधा सक्सेना, सेक्रेटरी रचना सक्सेना, MMC नीरू सक्सेना, अंजना सक्सेना, नीमा भंडारी आदि लोग उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ममता मिशन कार्यक्रम। तो फिर वीडियो बनाओ, आओ दीदी आप आ जाओ साथ में, ठीक है, सबकी आ जाए लो पहले। सभी को मेरा नमस्कार, मैं इनर व्हील क्लब और बरेली मरकरी की प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष सुधा सक्सेना। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोगों ने भाई यहाँ पे बच्चे को जन्म दिया है तो गर्भवती महिलाएं, कुछ ऐसा होता है ना कि पुरानी जो होती है परंपराएं, वो कहती हैं बच्चा होते हैं गुट्टी खिला दो, गुट्टी पिला दो या गर्म पानी पिला दो या चाय भी कह देते हैं, बहुत से लोग बच्चों को चाय भी दे देते हैं पैदा होते ही। लेकिन ये सब बातें ना सब पुरानी बातें थी, तब भी नुकसान करती थी अब भी नुकसान करती है बच्चों को। जब भी बच्चा मतलब जब पैदा होता है तो कम से 6 महीने तक उसको ऊपर की कोई चीज़ नहीं दी जाए, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। 6 महीने तक बच्चे को ना पानी ऊपर से दिया जाएगा, ना उसको गुट्टी दी जाएगी, ना कोई शहद, कुछ भी नहीं। माँ का दूध उसके लिए अमृत है, हमेशा से अमृत रहेगा। वो 6 महीने बच्चे को भी आपने दूध पिला दिया, बच्चा आपका लाइफ में कभी कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने बच्चों को पिलाया है, मैंने मेरे बच्चे अभी भी मतलब ऊपर है, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज तक मेरे बच्चे कभी छींक भी नहीं आती है। मैं कभी डॉक्टर के यहाँ चक्कर नहीं लगाती हूँ, जबकि मेरे को